मुंबई में लोकल की सेंट्रल लाइन ठप हो गई है। सैकड़ों छात्र रेल लाइन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के माटुंगा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन रुक गई है। यह तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि उन्हें रेलवे में नौकरी मिले। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बड़ी खबर मुंबई से, मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन ठप हो गई है। मुंबई में छात्रों ने लोकल रोक दी है। मुंबई में छात्रों का ये रेल रोको आंदोलन चल रहा है, जिस वजह से मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन पर असर पड़ा है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एबीपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, छात्रों की मांग के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, यात्रियों पर इसका भारी असर पड़ा है। लाखों मुसाफिर इससे प्रभावित हुए हैं, खास करके जो मुंबई के उत्तरी और उत्तर पूर्वी उपनगरों से जो मुसाफिर सेंट्रल लाइन के जरिए दक्षिण मुंबई की तरफ आ रहे थे, सीएसटी की तरफ आ रहे थे, वो लोकल ट्रेनों में अटके पड़े हैं। बहुत सारे मुसाफिर स्टेशनों पर जमा हैं, स्टेशनों पर मुसाफिरों की भीड़ लगी है। और दादर और माटुंगा, सेंट्रल रेलवे के दादर और माटुंगा स्टेशनों के बीच में करीब 250 से 300 छात्र के आसपास बताए जा रहे हैं जिन्होंने की ये रेल रोको कर रखा है। आज सुबह करीब 7:15 बजे के आसपास से इनका ये रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ है और 1.5 घंटे के ऊपर का समय बीत चुका है। अभी तक जो है रेल यातायात रिस्टोर नहीं किया जा सका है। इस वक्त सेंट्रल रेलवे की लाइनें जो है सिर्फ कुर्ला तक, जो ठाणे और कल्याण से जो मुंबई की तरफ जो ट्रेनें आ रही हैं वो सिर्फ कुर्ला तक ही चल रही हैं और वहीं से वापस जा रही हैं। दादर और माटुंगा के बीच में इनकी भीड़ लगी है छात्रों की और यहां पर पुलिस ने इन्हें हटाने की एक नाकामयाब कोशिश की, हल्का लाठी चार्ज किया, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ वहां से हट नहीं रही है। कुछ ट्रेनें जो फंसी हुई थी उनको निकालने में पुलिस जरूर कामयाब हुई, लेकिन इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो मुंबई के बाहर से आने वाली ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें हैं, उनका यातायात इस वक्त पूरी तरह से ठप है। कुर्ला से आगे कोई ट्रेनें नहीं आ रही हैं और मुसाफिरों को इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जितेंद्र, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट होगा हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, मुंबई में लोकल की सेंट्रल लाइन ठप हो गई है। सैकड़ों छात्र, और जैसा कि जितेंद्र दीक्षित ने बताया, करीब 300 छात्र रेल लाइन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुर्ला से आगे कोई ट्रेन नहीं आ रही है, ये बड़ी खबर जितेंद्र दीक्षित ने हमें दी। मुंबई के माटुंगा सीएसटी के बीच छात्र रेल लाइन पर बैठे हुए हैं, जिसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। मुंबई में कुर्ला से सीएसटी के बीच ये आंदोलन छात्रों का चल रहा है और कुर्ला से आगे कोई ट्रेन नहीं आ रही है। माटुंगा सीएसटी के बीच ये छात्र रेलवे लाइन पर बैठे हुए हैं। रेल रोको आंदोलन इन छात्रों का है। ये छात्र रेलवे में नौकरी की मांग कर रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि छात्रों को कैसे भी करके हटाया जाए। हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा छात्रों पर, लेकिन छात्रों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए हैं ये छात्र इस मांग के साथ कि रेलवे में उन्हें नौकरी दी जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।